आज मैं आपको बताऊंगी कि कोप बंधन कैसे होता है, कि अगर आप संतान को चाहते हैं और संतान आपके पास आ नहीं रही है या संतान आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहते हैं कि कोप बंधन। तो कोप बंधन को आप कैसे पहचानेंगे कि आप के जो भी नजदीकी रिश्तेदार हैं, आपके घर में बहू है या फिर बेटी है, और ये लोग जो कोप बंधन करते हैं, आप आज हम उनके बारे में जानकारी देंगे। तो ये घर के आपके रिलेटिव्स होते हैं, सगी संबंधित होते हैं, इन्हीं को आपके बारे में जानकारी होती है और यही आपका गोत्र धर्म जानते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के जो आपका गोत्र धर्म जाति आपके बारे में नहीं जानता है तो वो आपका कोप बंधन नहीं करा सकता है। घर के सदस्य ही या फिर रिश्तेदार जो आपसे द्वेष की भावना रखते हैं और सोचते हैं कि इनके परिवार में कभी भी कोई वंश ना आए तो वो लोग कोप बंधन कराते हैं। तो आप कैसे जानेंगे, आज मैं उसके कुछ आपको लक्षण बताती हूँ। सबसे पहला, आपका बार बार गर्भपात हो रहा है तो इसको भी बोलते हैं कोप बंधन है, क्योंकि अगर 15 दिन 20 दिन के ऊपर आपका गर्भपात हो जा रहा है और बच्चा कंसीव करने के बाद भी नहीं रुक रहा है तो इसको कहा जाता है कि आपके कोप में किसी ने बंधन कराया है और किसी प्रकार की बलि दे करके, चाहे वो बकरे की हो चाहे वो मुर्गे की हो, बलि दे करके आपकी कोख को बंधन युक्त किया गया है। तो पहला लक्षण ये हुआ कि आपको बार बार गर्भपात हो रहा है। ये होता है कि अगर आपको कोख बंधन कराया गया है तो आप कैसे जानेंगे, जो आपकी नाभि है, जो भी कोख बंधन जिस भी महिला का हुआ है उसके नाभि के नीचे कंटिन्यू पेन रहना, किसी भी प्रकार से पेन रहता है, खिंचाव रहता है और वो परेशान रहती है। जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनके जो अंडाशय है उसमें सूजन आ गई है या फिर यूट्रस में सूजन आ गई है या फिर जो ट्यूब है बच्चा कंसीव करने की उसमें सूजन आ गई है और आपको पेन इस कारण हो रहा है, तो इसको भी माना जाता है कि आपका कोख बंधन कराया गया है, क्योंकि ये सब लक्षण आपको बताते हैं। और इलाज करने के बाद भी आपको बच्चा कंसीव नहीं होता है तो ये लक्षण होता है कि आपको कोख बंधन कराया गया है। तीसरा, जो कोख बंधन के लिए मैं आपको बताऊंगी लक्षण क्या है जो आप जान सकते हैं, कि जब आप सोते हैं, जिस महिला को कोख बंधन कराया गया है जिसके प्रति, तो जब वो सोती है तो उसको रात में बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और लगता है कि उसके साथ कोई अनजान व्यक्ति, हस्बैंड नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है जिसके साथ वो रहती है, अनजान व्यक्ति उनके साथ गलत गलत हरकत करता है और उनको छूने की कोशिश करता है और उनके ऊपर, कहा जाता है कि ये तंत्र क्रिया। और जब वो सुबह उठती हैं और जब वो चीजें याद करती हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जांघों में और उनके पेड़ों में दर्द कंटिन्यू रह रहा है। तो कहा जाता है कि किसी तंत्र विद्या का प्रयोग करके आपकी कोख में बंधन कराया गया है। बंधन का एक और संकेत है कि अगर आप सो रहे हैं और सपने में आपको लगातार मृतक लोग दिख रहे हैं या मरे हुए बच्चे आपको दिखते हैं, बच्चों की जो नाल होती है वो कटिंग दिखती है या फिर वो मरे हुए दिखते हैं, मृतक बच्चों की नाल दिखना, तो उससे भी कहा जाता है कि तंत्र क्रिया करा करके, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि ये सपने कंटिन्यू जब आएंगे, सपने ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ कि मरे हुए बच्चों का दिखना या फिर बच्चे कटे पटे आपको दिख गए, उनकी नाल कटी हुई है, तो उससे भी प्रतीत होता है कि कोख बंधन कराया गया है। और जो सबसे लास्ट है वो है कि जब पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं और वो संबंध बनाते समय किसी कारणवश उनका संबंध ठीक से नहीं बन पाता है या लड़ाई हो जाती है या उसी समय कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसमें पत्नी रूठ जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि कोख बंधन किया गया है ताकि आपके जीवन में संतान का सुख आप प्राप्त नहीं कर सके। तो ये सबसे मेजर संकेत होते हैं कोख बंधन के। तो अगर आप इन संकेतों को, कुछ संकेत मैंने बताए हैं, अगर आप अपने दैनिक जीवन में इनको वॉच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये संकेत सत्य है।